अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सुबह का टाइम है, अभी शुरू करते हैं। मैं आया था यहाँ पे पानी भरने के लिए चश्मे पे वीडियो। ये नाज़रीन चश्मे पे पानी भर रहे हैं हम। ये नाज़रीन मरी का एक गांव है, मरी शहर से तकरीबन है इसका फासला 20-25 किलोमीटर का फासले पर ये गांव है। तो बनती इसका नाम है। ये देखें, यहाँ पे लोग जो हैं यहाँ पे पानी भरने आते हैं चश्मों के ऊपर। ये चश्मा तो वैसे ही है, लोग कहते हैं यहाँ पे कि ऊपर इसके घर हैं तो वहाँ से लोग ये इस्तेमाल करते हैं पानी। तो जहाँ से हम पानी भरते हैं वो चश्मा दूसरा है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, देखें ये कतरा कतरा करके यहाँ पानी भरते हैं। ये इतना पानी आ रहा है, ये पीछे से आ रहा है चश्मे से पानी जमा हो रहा है। यहाँ इन्होंने एक टंकी सी बनाई हुई है चारों तरफ, चार दीवारी करके, तो इसके अंदर पानी जो जमा होता है तो यहाँ पाइप के ज़रिए फिर बाहर आता है। तो ये है नाज़रीन यहाँ का खूबसूरत इलाका। ये यहाँ पे हर गांव में इस तरह के चश्मे हैं, तकरीबन आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हर जो है ना 2-3 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई यहाँ पे चश्मा आ जाता है। क्योंकि मरी में तो चश्मे वहाँ पे तो दिखने में नहीं आते, मगर ये गांव देहातों में यहाँ पे चश्मे काफ़ी तादाद में हैं। ये देखें कहाँ कहाँ से पानी निकल के आ रहा है। पानी अभी हमने भर लिया है, बोतल ये फुल हो गई है, तो अभी हम चलते हैं घर। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे इस तरह के घर होते हैं, उनकी कोई वो चार दीवारी जैसे शहरों में होते हैं उस तरह नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ओपन घर हैं। ये यहाँ के रास्ते हैं नाज़रीन, नीचे देखें खाई है, और ये छोटा सा पतला सा रास्ता है यहाँ पर गुजरने के लिए। ये देखें यहाँ के नाज़रीन खूबसूरत नज़ारे, देखें आप कितनी खूबसूरत जगह है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। ये देखें नाज़रीन रास्ते, देखें आप यहाँ पे किस तरह के हैं। घर हम पहुंच गए हैं, पानी हमने रख दिया, तो अभी हमने जाना है बाज़ार। बाज़ार से कुछ चीज़ें लेके आनी है, सोडा सर्फ लेके आना है, तो साथ साथ दिखाते हैं आपको भी। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से न्यू मरी जा रहे हैं। मोटरसाइकिल हमने थोड़ा घर से दूर खड़ा किया है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है खड़ी करने की। और सामने जी बाइक खड़ी है हमारी, तो इसको करते हैं स्टार्ट और चलते हैं। ये बस ये हम आ रहे हैं घर, कोई चीज़ भूल गए यहाँ पे, सिलेंडर का ऊपर वाला चूल्हा होता है वो ठीक करवाना था, तो वो घर भूल गए, भी लेने आया हूँ। अगर बाय 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 कर दो, बाय बाय, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, फिर बाज़ार से आके भी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा 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 कर दो। हम जी आ गए अपने मोटरसाइकिल के पास वापस, इसको अभी खोलते हैं और स्टार्ट करके चलते हैं। यहाँ पे पेट्रोल को भी लाग लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे लोग पेट्रोल निकाल लेते हैं। जी हम करते हैं अपना सफ़र स्टार्ट, यहाँ से जा रहे हैं हम यहाँ से न्यू मरी। तो अभी आपसे रास्ते हैं, फिर आपसे बोलिए।
देखें यहाँ पे जो है ना मरी के इलाके में अभी गंदम अभी यहाँ पे पकना स्टार्ट हुई है, अभी भी बीच में कुछ कच्चे भी है, तो कई इलाकों में तो अभी गंदम काट भी ली है और कहीं निकाल भी ली है, तो यहाँ पे अभी तक तैयार नहीं हुई है गंदम, अभी मज़ीद लगेंगे महीना 15 दिन और लगेंगे इसमें तैयार होने में। और यहाँ पे जितना खूबसूरत इलाका है उतने यहाँ पे खतरनाक रोड्स हैं। ये देखें जी यहाँ पे ना रोड बना हुआ था तो लैंडस्लाइडिंग हुई है, उसके साथ रोड नीचे चला गया, टूट गया रोड यहाँ से। ये देखें साथ खाई है नीचे। ये जी हम पहुँच गए हैं बांझली बाज़ार, यहाँ पे भी हम रह के गए हुए हैं, तो यहाँ पे भी ऊपर हमारा घर था, यहाँ से हमने छोड़ दिए तकरीबन 6 महीने हम यहाँ पर रहे हैं। वो घर ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर था तो हम चढ़ाई में बड़ा मसला होता था हमें चढ़ने में, तो हम 6 महीने यहाँ पर रहे हैं, उसके बाद छोड़ दिया। अभी हम जहाँ पर रह रहे हैं वो बनती का गाँव है, वहाँ पर घर है। वो वीडियो मैंने डाली हुई यूट्यूब पे तो उसकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जो घर का रास्ता है मैंने सारा बताया हुआ है, घर भी वहाँ पे दिखाया हुआ है, तो वहाँ जा कर देख सकते हैं आप। जी जी यहाँ पे फ्री सर्विस हो रही है, यहाँ पे जगह जगह चश्मे हैं, लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़े करके तो धो लेते हैं। भाई साहब ने यहाँ पर रास्ता रोका हुआ है और रास्ता यहाँ पर बंद किया हुआ है सारा। ये जी सरासी का इलाका है, तो यहाँ पे मज़ार है बाबा लाल चाल कलंदर का, तो यहाँ पे काफ़ी ज़ायरीन आते हैं। कहाँ जाना है? हाँ आ जाओ। ये हमने 2 बच्चों को भी साथ बिठा लिया, इन्होंने जाना था बाज़ार न्यू मरी, यहाँ पे लोग जिसको न्यू मरी भी कहते हैं और गलियारा गली भी कहते हैं, यहाँ के जो मुकामी लोग जो हैं उसको गलियारा गली कहते हैं और जो बाहर के हैं वो न्यू मरी के नाम से ये मशहूर है। तो यहाँ पे पटाटा चेक लिफ्ट जो ज़्यादा मशहूर चीज़ है वो यहाँ पे पटाटा चेक लिफ्ट है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा है, काफ़ी लोग में बैठे भी होंगे चेक लिफ्ट पे। तो इन्होंने भाई साहब कह रहे हैं कि जी हमने यहाँ से पटाखे लेने ईद के लिए, उनके बच्चे हैं, बच्चों की फिर ईद तो फिर असल तो यही मनाते हैं, कल ईद है। तो अभी ये लोग जी पटाखे लेने जा रहे हैं बाज़ार। हम न्यू मरी पहुंच गए और यहाँ से भी हमने लेना है राशन घर के लिए, चीज़ें हमारा लेनी है। नाजरे हमने करवा लिया ठीक सिलेंडर का चूल्हा और राशन भी ले लिया घर के लिए, तो अभी जा रहे हैं वापस घर। पहुंच गए जी हम अपने घर, तो मोटरसाइकिल करते हैं यहाँ पे खड़ी। ये हम जा रहे हैं अभी घर, हमें भी यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो गई है, जाकर थोड़ा रेस्ट करते हैं, आखिरी रोज़ा भी है तो कल ईद है, फिर राशन लेके आना था आज। ये देखें जी यहाँ का देसी माहौल, अब यहाँ पे कपड़े छपड़े धो के यहाँ डाले में, और सामने घर आ गया हमारा। अस्सलाम वालेकुम अक्का जी, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? ये देखे जी यहाँ के हमारे घर से नज़ारे,
व्यू चेक करें यहाँ से आप। वो नीचे रोड है, वहाँ से गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं। करनी है घर की सफाई, सारा फर्श धोना है यहाँ से, तो फर्श धोते हैं यहाँ से। सफाई तो होगी है घर पे, चलते हैं। बाल कटवाने थे मेरे, उम्र में तो बहुत रुकन थी, जगह थी नहीं वहाँ पे, तो अभी जो है चलते हैं दुकान पे जाकर देखते हैं रश ना हो। ये जी हमारी खड़ी है बाइक यहाँ पे, तो चलते हैं जाकर देखते हैं दुकान पे जगह है या नहीं। मैं बोल के तो आया था, वो कह रहा था घंटे तक आना, जाकर देखते हैं क्या पोजीशन है। बाल कटवा लें बस, हल्की फुल्की सेटिंग करवाई है, और दाढ़ी के लिए इसके पास थी नहीं मशीन थी, मगर ज़ीरो थी फुल। शाम का वक्त हो गया, तो बादल भी बने हैं, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, बादल बने हुए। आज काफ़ी गर्मी थी यहाँ पे, तो अभी शायद थोड़ी देर तक हो जाए, इफ्तारी भी होने वाली है, 6:10 हो गए, तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया, हवा चल रही है ठंडी ठंडी यहाँ पे। चलते हैं घर जाके इफ्तारी करते हैं। ये देखें जी कीड़ा, इसकी पीछे दुम में ना लाइट जल रही है, तो अभी रोशनी में टॉर्च ऑफ करूँगा तो ये देखिएगा। ये देखें अल्लाह ताला की शान, ये देखें लोग को। यहाँ बैंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।